बाँहों से हम गुलदान जो अभी आपके सामने रखा है वो बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, ये जो हार हैं ये बनाते हैं, कान के बाले वगैरह ये हैं, तीन चार पीढ़ी से बना रहा है, लेकिन हमारे पास रिस्पांस नहीं है। नहीं होने की वजह ये कि बड़े बड़े उसमें लगता है मॉल में या बड़े होटलों में, उनके किराए काफ़ी होते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम चुप बैठे रहते हैं। अब हम तक कोई आया, हम यहाँ बांस गली के नाम से ही मशहूर, हमारे नाम से ही गली है रोड बांस गली नंबर एक, तो यहाँ पर ग्राहकों को पता रहे कि हमें जाना है, तो हम उन होटलों का चार्ज ख़त्म करते हुए जो हमारी लागत है उससे हम 10-15% नफे के अंदर दे सकते हैं। बैम्बू पे मैं बैम्बू उनको तैयार करके दे देता हूँ, मेरे बेटे उन पे ये भगवान शिव का, महाकाल का और जितने भी देवी देवता हैं, ये महाकाल की बहुत बड़ी प्रदर्शनी हमने लगाई थी। मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम शेख रियाजुद्दीन पटेल है। हम 300 या 200 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब नसीमुद्दीन, उनके वालिद साहब वसीउद्दीन, उनके वालिद साहब शमसुद्दीन साहब से यह सिलसिला चलता आया। हम मेनली प्रोडक्शन में मैंने जब ये सब चीज़ें देखी और आधुनिक युग से जब मैं जुड़ा, तो हम बेसिकली हम जो पैटर्न थे इसके हमने मैंने चेंज करे। इसमें हमने ज्वेलरी प्रोडक्शन नया करा और इसमें बेम्बू के अंदर, बांस के अंदर, इसमें क्या हम जाफरी, चाली, निसन्नी जो रॉ मटेरियल जो गरीब लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम पहले यहाँ जब बैठे हैं यहाँ भी झोपड़ी हुआ करते, तो पहले जो बेम्बू का जो प्रोडक्शन था गरीब लोगों के लिए था, क्योंकि इससे घर आसानी से बन जाते थे और इसकी लागत भी कम बैठती थी घर बनाने में। वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो और फिर इनमें चेंजेस में मैंने ज्वेलरी बनाना सीखी, तो मैंने इसका कमर्शियल अगरतला त्रिपुरा से जो इंटरनेशनल BCDI केंद्र है वहाँ जाके मैंने इसका कोर्स करा और मास्टर इन फाइन आर्ट्स 6 साल से इसका कोर्स करके मैंने इसको विधिवत सीखा और इसको इस कला को इसके अंदर जोड़ा।